बड़सर उपमंडल के संपर्क सड़कों की हालत दयनीय हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि इन सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ी सी बरसात होने पर सड़कों में गड्ढे पड़ने से पानी भर जाता है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग जल्द सड़क में पड़े गड्ढों को भरने का दावा भी कर रहा है। बड़सर उपमंडल के अंतर्गत आने वाली राइयां से भवेड़ जाने वाली सड़क की हालत दयनीय हो चुकी है। इस सड़क की सबसे ज्यादा खराब हालत नगरेहड़ा गाँव के पास है, जहाँ पर वाहन चालक सहित पैदल चलने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों अनूप कुमार ने बताया कि इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस सड़क पर नगरेड़ा गांव के पास बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है, जिसके चलते उनके मकान को भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों के पहियों से उड़ने वाला पानी उनके मकान की दीवार को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सड़क को लेकर 1100 नंबर पर भी शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने विभाग से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस सड़क को पक्का किया जाए। वहीं स्थानीय निवासी संजय कुमार ने लोक निर्माण विभाग से गुहार लगाई है कि इस सड़क को पूरी तरह से ठीक किया जाए, ताकि लोगों को आ रही परेशानी से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क पर गड्ढे होने के कारण कई बाइक सवार चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय निवासी धर्म सिंह की माने तो पिछले कई वर्षों से सड़क की रिपेयर नहीं हो पाई है। उन्होंने विभाग से सड़क को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। इस मामले पर बड़सर लोक निर्माण विभाग के सहायक अधिशासी अभियंता अनिल कुमार शर्मा से जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा। समस्या यही है, ऐसा पानी खड़ा रहता है यहाँ पर ना, कितनी मेरे हिसाब से 2 साल हो गए इसको टायरिंग हुए को ना, टायरिंग तो दोनों साइड टायरिंग हो गई, और विभाग ने यही कहा था कि 2 या 3 महीने में हमें इसके जो टाइलें टूलें जो भी करना है यहाँ कर देंगे, बट आज तक 3 साल तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाया। और दूसरी बात, जब भी कोई बाइक वाला आता है, बार बार यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई 4-5 एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं, तो सभी लोगों को यहाँ बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब विभाग से और सरकार से ही हमारी यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी इस काम को किया जाए उतनी जल्दी तो ये है कि मैंने तो पहले 1100 मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है तो उनको भी कॉल किया था, बताया था कि ये हमारे उधर में सड़क है या गैप यहाँ पे छोड़ा हुआ है, जब पक्की करी थी तो उन्होंने तो बोला था कि टाइलें लगेंगी, तो वो भी नहीं लगी, और यहाँ पे डंगा दे सकते हैं अगर, वो भी नहीं हुआ काम। तो मैं विभाग से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर यहाँ पे टाइलें लगा सकें या फिर यहाँ पे डंगा दें, कुछ भी मतलब समस्या का समाधान करें, क्योंकि पानी यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाता है, सड़क यहाँ पे थोड़ी बैठ गई है, कई बार तो सारा पानी खड़ा होता है हमारे घर में, भर जाता, गड्ढे जाते हैं, अंदर पानी भर जाता है सारा, अंदर पानी। इसमें सही है कि इसको जल्दी जल्दी बोला, उन्होंने बोला कि ये हमें टाइलें लगानी है, कोई टाइलें लगाई कुछ नहीं सुनवाई हो यहाँ पर, तो जल्दी से जल्दी सारा पानी अंदर भर जाता है जब गड्ढियाँ निकलती हैं। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि उसको रोड को जल्दी जल्दी टाइलें लगानी है, तो लगना चाहिए जल्दी जल्दी।